बाड़मेर के बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी के स्टोर में अचानक आग लग गई, जाने से हड़कंप मच गया। इस दौरान लोगों की सूचना के बाद मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां दमकल कर्मियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। वहीं आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां इस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि सब कुछ जल के राख हो चुका है। पचपदरा रिफाइनरी के स्टोर में ये आग से हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये रिफाइनरी के स्टोर में आग लगी है और मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं कमलेश जी। कमलेश, किस कारणवश ये आग लगी, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? जी अर्षिता, मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर जिले की जो सबसे बड़ी पचपदरा के स्थित रिफाइनरी है, वहां पर आपको बता दें रिफाइनरी के स्थित स्टोर में अचानक आग लगी। आग लगने से पूरे जो क्षेत्र बना हुआ है रिफाइनरी, उसमें हड़कंप मच गई। इस दौरान लोगों की सूचना पर करीब 3 से 4 बालोतरा से जो नगर पालिका तथा आसपास की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां पर दमकलों की मदद से करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल जो वहां के अधिकारी तथा जो बड़े अधिकारी वो इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि आग इतनी भयानक थी कि करीब पूरे रिफाइनरी का एरिया 1-2 किलोमीटर है, वहां पर पूरे क्षेत्र में अफरातफरी। फिलहाल इसको लेकर पूरे जो है वो जांच पड़ताल जारी है। जी अर्षिता, कमलेश रिफाइनरी की बात करें तो वहां कितने लोग करीब मौजूद थे, इसके बारे में जानकारी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं कमलेश? जी जी अर्षिता, कमलेश मैं पूछ रही हूं कि जहां रिफाइनरी में आग लगी है वहां कितने लोग थे करीब, इस बारे में कुछ जानकारी? मैं आपको बता दूं रिफाइनरी में आग लगने का बड़ी संख्या लोगों थी, क्योंकि वहां पर आसपास जो स्टोर बने हुए हैं वहां नजदीक में मजदूरी काम करते हैं, जो वहां पर ये अगर मौके पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा सामने आ सकता है, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में जो मजदूर है लोग है, आसपास के जो छोटे स्टोर बने हुए कई लोग उसके अंदर रिवास भी करते हैं, लेकिन जो साथ में नजदीकी बालोतरा से दमकल की गाड़ियां मंगाई हुई उसकी मदद से करीब 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया है। ऐसा जानकर लगा इसमें किसी भी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने के क्या कारण है उसको लेकर अब जांच जारी है। जी कमलेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पे बाड़मेर से कमलेश संवाददाता, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि आग लगने का कारण नहीं पता लगा पाए हैं ये, और अब इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किस तरह से आग लगी, और जो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से हड़कंप मचा और सब कुछ जल के राख हो गया।